मोदी बनारस पहुंचे थे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया, उसके बाद जनता को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लगभग एक घंटे के स्पीच के जरिए काशी समेत पूरे देश की जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कई महापुरुषों का नाम भी लिया। मुंशी प्रेमचंद, बिस्मिल्ला खां, संत कबीर दास का नाम लिया गया। इसमें एक नाम था अहिल्या बाई होलकर का भी। आखिरकार अहिल्या बाई होलकर कौन थी, देखिए हमारी रिपोर्ट। काशी बनारस में आज मेला लगा है, जनता का रेला लगा है। बनारस अपने पूरे रंग में है, क्योंकि उसकी महिमा और गौरव दोनों लौट रहे हैं। मौका था काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का। पीएम मोदी पहुंचे थे, 12 राज्यों के सीएम पहुंचे थे, हजारों साधु संत पहुंचे थे और लाखों की संख्या में जनता पहुंची। पीएम मोदी सुबह पहुंचे, जहां जनता, संतों और वीआईपी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना आरती की। उसके बाद नंगे पांव निकल पड़े माँ गंगा की ओर, वहाँ डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के सामने पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर को बनाने वाले मजदूरों का अभिवादन भी किया। उसके बाद काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया, यानी जनता को सौंप दिया। फिर मौका था संबोधन का। पीएम मोदी ने इस मौके पर लगभग 60 मिनट तक जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बनारस में कई महापुरुषों की ऊर्जा मिली है। इस मौके पर उन्होंने संत कबीर दास, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां और मुंशी प्रेमचंद का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने एक और नाम लिया, वो नाम था माँ अहिल्याबाई होलकर का। आखिर माँ अहिल्याबाई होलकर कौन थी, उनका बाबा विश्वनाथ और काशी से क्या लगाव था? बनारस वो नगर है जहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यही की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति, चार जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ रामगुरु गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक, कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही। भारतेंदु हरिचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा। जिस तरह काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं,
यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीति तो राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने किया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, महेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया, तब के बाद अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी गांव में हुआ। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे, एक साधारण किसान थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बनाया। महज 12 से 13 साल की उम्र में उनका विवाह मालवा साम्राज्य के उत्तराधिकारी खांडेराव होलकर से हुई, जो मालवा आज का इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। इस विवाह के बाद अहिल्याबाई अहिल्याबाई होलकर हो गई। 1754 के कुंभेर युद्ध में उनके पति खांडेराव होलकर शहीद हो गए। इस समय अहिल्याबाई की उम्र महज 19 साल थी। तब तक वे एक पुत्री और एक पुत्र की मां बन चुकी थी। बेटे का नाम मालोजी राव और बेटी का नाम मुक्ताबाई था। इसी बीच कुछ समय बाद उनके ससुर का भी निधन हो गया। इस घटना ने अहिल्याबाई को तोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ उनके कंधे पर शासन और सत्ता का भार भी आ गया। तब भारत पर मुगलों की सत्ता कायम थी। 1766 ईस्वी में उन्हें मालवा का शासक नियुक्त किया गया। 1795 में उनका निधन हो गया और 28 वर्षों तक उन्होंने मालवा साम्राज्य की सेवा की। रानी अहिल्याबाई बचपन से ही शिव भक्त थी। उन्होंने लगभग 250 साल पहले काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जब औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया था। यही नहीं, गंगा पर घाटों का निर्माण कराया, जहां आज भी अहिल्याबाई घाट और महल भी है, जिसे होलकर वाड़ा कहते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें सम्मान देते हुए आज न सिर्फ अपने भाषण में उनका नाम लिया, बल्कि इस कॉरिडोर में रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगवाई। रानी अहिल्याबाई अपनी न्याय प्रियता के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि जनता उन्हें माँ और देवी के नाम से पुकारने लगी। तब से अहिल्याबाई होलकर को माँ अहिल्याबाई होलकर कहा जाने लगा। आज पीएम मोदी ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो वाकई हकदार थी। माँ अहिल्याबाई की न्याय प्रियता को लेकर एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। एक बार की घटना का जिक्र बहुत ही प्रचलित है। अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालो राव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर पूरी तरह घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़े ने अपनी जान दे दी। मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ गए। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो ये नजारा देखकर वहीं ठिठक गई। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि ये क्रूर हरकत किसने की है। किसी ने हिम्मत करके उन्हें पूरी घटना बताई। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने महल पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं, तो क्या करना चाहिए।
उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीना बाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर तक सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव की हाथ पैर पाग दिए जाए और ठीक वैसे ही रथ से कुचल कर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्या बाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं था, तो वो खुद उठी और रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के मन को झकझोर दिया। जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हुई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए, वो भी चाहती है कि आप अपने बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने देना चाहती। सभी ने कहा कि मालोजी राव को अब सीख मिल चुकी है, वो भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। माँ अहिल्या बाई को उनका उचित सम्मान देना और उन्हें उचित जगह देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये पीएम मोदी ही कर सकते थे, जो उन्होंने साबित भी कर दिखाया। को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट।